बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है? तो बात ये नहीं है केवल बांग्लादेश की, पहले श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अब बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी जो है पड़ोसी देश हैं उनके साथ हो क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो क्या इसके पीछे कारण मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन है कि जो मॉडर्न कल्चर या फिर जो वेस्टर्न देशों के आने में जो है अपने देश से घृणा करने वाले लोग, और इसमें जो है भड़काऊ दल और कट्टरपंथी लोगों का जो है बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अपना पर्सनल जो है कट्टरता है, धार्मिक रूप से कहें या फिर राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो है आम लोगों को केवल भड़का के उनसे लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, अब जिस प्रकार से बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां शेख हसीना जिनका जो है शासन जो है लंबे समय से चल रहा है, जहाँ दशकों तक वो शासन कर रही हैं, तो उनका जो है निर्विरोध जब शासन चल रहा था तो उनके खिलाफ जो है ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि देखिए कि आज जो है पार्लियामेंट में ही जो है जनता ने कब्जा कर लिया और वो जनता उनके अंडरगार्मेंट्स तक जो है ले लेके घूम रहे हैं, उनको गर्व से दिखा रहे हैं और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था अराजकता में बदल गई है। तो इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, जो वामपंथी लोग हैं, जो भारत से देश विरोधीता से राष्ट्रवादी लोग से उनसे घृणा करते हैं, वो बोल रहे हैं कि अब भारत की बारी है, तो अब भारत की बारी है, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या सही में? तो बिल्कुल। तो ये क्यों कारण हो रहा है, किस लिए हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि जहाँ पे जो है बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, फिर पाकिस्तान में, इनमें जो है जो वेस्टर्नाइज देश है या फिर बोले उनके अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, उनका जो है उनका प्रभुत्व था, उनका जो महत्व था, उनका जो सोच है वो बहुत ज़्यादा जो है बैठा हुआ था। लोग अपने देश के जो है राष्ट्रवादिता को छोड़ के, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान को छोड़ के दूसरे देश से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और कट्टरपंथी लोग जो कि धर्म के नाम पे बोले या फिर जो किसी भी चीज़ के नाम पे, उनको भड़का के अपने साथ कर लेते, जैसे कि खालिस्तान वालों के साथ वही हो रहा है। वैसे ही भारत में भी जो है बहुत बड़ा दल है जो कि पाकिस्तान का समर्थन करता है। आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वर्ल्ड कप में जब एक बार भारत हारा था तो पाकिस्तान जीता था, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया था। मतलब सोच सकते हैं कि वो लोग अपना देश पाकिस्तान को मानते हैं जबकि वो निवासी भारत के हैं। तो यही सेम चीज़ें हैं जो कि जो है भड़काऊ दल को जो है भड़काती है, जनता को भड़काती है, और लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि लोग इसके बीच में इनको भड़का के जो अपना पॉलिटिक्स खेल लेते हैं और इसके साथ ही साथ अपना जो है स्वयं का महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेते हैं, और जनता जो है भीड़ में फंसी रह जाती है और उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। अभी उनको लग रहा होगा, हम विजय को प्राप्त कर लिए, हमारा पार्लियामेंट में कब्जा हो चुका है, हम वहाँ उनके सिंहासन पर, शेख हसीना प्रधानमंत्री उनके जो कुर्सी पर जाके बैठे हैं लोग, तो उनको लग रहा होगा कि हमने जो सब जीत लिया, सब हड़प लिया, अब आया है कि समानता। तो कम्युनिस्ट विचार धारा का यही सोच है कि अमीरों को तोड़ो और गरीबों में उनका पैसा बांट दो, तो इससे कुछ उखाड़ने वाले नहीं हुआ आप, क्योंकि लूट का माल जो है कभी तक नहीं पछता, वो बोलते हैं ना, कब तक टीका वाली बात है। तो अराजकता फैलेगी देश में तो आपके देश पे जो सेंसेंस लग जाएंगे, आपका देश का जो है GDP गिर जाएगा, आपका देश का जो है बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसमें जो भुखमरी छा जाएगा। और इसकी बात नहीं है केवल सनातन धर्म वाले को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जो कुछ चुन के जो है एकदम हिंदू बचे हुए, बहुत कम हिंदू बचे हुए, उनको जो है मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, बहन बेटियों का, उनको जो है बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। कन्वर्जन तो बहुत पहले का चल ही रहा था, तो भारत में भी भर भर के चल रहा है, जहाँ मिशनरीज जो है कन्वर्जन कर रहे हैं धर्म के आधार पर कहे, या फिर जो है उनको कुछ लालच लोभ मोह दे के, तो वैसे ही वहाँ पर जो है अब तो जो है शासन के बल पर, सेना के बल पर जो है हिंसा करते हुए वहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है और वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। तो सोचिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, ये ट्रेंड इसलिए चलाया जा रहा है, आप भी स्टेटस अवश्य लगाए, आप इस पर स्टोरी लगे, ऑल आइज ऑन रफा वाले जो दलाल थे, बॉलीवुड के दलाल थे, वो तो नहीं इस पर बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनको तो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो जहाँ पैसा मिलेगा वहीं वो भौंकेंगे। तो आपको इस पर जो है अवश्य एक्शन लेना चाहिए, आप अवश्य बोलिए इस पर। तो बांग्लादेश में हिंदू हैं बहुत कम संख्या में बचे हुए, तो उनको जो समाप्त किया जा रहा है, तो उनको बताइए, उनके बारे में जो स्टेटस लगाए मेंशन कीजिए, कुछ अपने तरफ से जितना हो सके उतना कीजिए। और रही बात शेख हसीना की, तो उनको जो है यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया गया सेना के द्वारा, और उनको जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है भारत आना पड़ा, तो भारत के शरण ली है, और भारत के साथ शेख हसीना के अच्छे खासे जो है राजनीतिक संबंध है, इसीलिए जो है बांग्लादेश और भारत के अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जो नया शासन स्थापित हुआ है वो यूएस के प्रभाव ज़्यादा उसमें, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे जो है अमेरिकी देश का जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसका अच्छा जो है रिश्ते बने, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो समीप में जो समुद्र है वहाँ पे वो लोग जो है अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहते हैं यूएस वाले, तो वहाँ पे जो है जो कि शेख हसीना मना कर दी इसके लिए, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट में वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए उनका विरोध ऐसे भी जो है स्वाभाविक था। तो इस प्रकार से अराजकता छा चुकी है बांग्लादेश की जनता में, और वो लोग जो है तोड़ फोड़ करके पूरा शासन को हाथ में ले लिया है, अब जो है सैनिक शासन चल रहा है, अर्थात एक तरह ताना साहब कह सकते हैं उस चीज़ को, लोकतांत्रिक सरकार गिर चुकी है, जिस प्रकार से हाल हुआ था श्रीलंका का, जहाँ जो है हजारों किलो रुपये, सौ रुपये किलो जो है एक एक दाने चावल किलो लोग तरस गए थे, उन लोग वहाँ पे लूट मार हो गए थे, वहाँ पे सब लोग जो है गरीब जन भूखे मर रहे थे वहाँ पे, उसी प्रकार श्रीलंका का हुआ, उसी प्रकार पाकिस्तान का हुआ, और इसी प्रकार से हो रहा है आपका
बांग्लादेश का, जहाँ इमरान खान भी वहाँ पे जो लोकतांत्रिक चुनाव है तो उनको जेल में डाल दिया गया है, अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आया है। वैसी जो है शेख हसीना को अब जो है देश छोड़ के भागना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं अगली बार जो है भारत की बारी है बोल रहे हैं। भारत में ऐसी बात तो नहीं है कि कोई एक दो लोगों के करने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि भारत अखंड इतना बड़ा देश है जहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े लोग, धर्म के लोग रहते हैं, जो कि भारत को टूटने देने वाले जितने हैं उससे ज़्यादा बचाने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ होना मुश्किल है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मतलब ये छोटी बात भी नहीं है कि घटना भारत के साथ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और भारत के लोगों का भी जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रखा है, हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हमें जो वेस्टर्न कल्चर जो है प्रभावित कर रहा है, तो हम भी वैसे ही होना चाह रहे हैं, घर परिवार को त्यागना चाह रहे हैं लोग सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। इसी प्रकार से जो चाइना का फ़ोन हम यूज़ करते हैं, अमेरिकी कल्चर के इंस्टाग्राम फेसबुक पर हम यूज़ करते हैं, और भारत के जो है स्वाभिमान थे जो हमारे जो है गुरु शिष्य परंपरा बोले या फिर जो भारतीय संघ उससे हम नफरत करते जा रहे हैं, तिलक धारी करके आप जब देख रहे हैं इंस्टाग्राम में मुरझा कर रहे हैं। तो भारतीय भविष्य जो है युवा हमारे देश बहुत है, बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन कंट्रीज़ में कि वहाँ पे जो है बूढ़े लोग ज़्यादा है, वहाँ पे युवा काम करने के लिए, लेकिन हम गर्व करते हैं कि भारत में युवा बहुत है, लेकिन युवा ये क्या कर रहे हैं, युवा टिकटॉक पर नाच रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। तो ये वाला जो युवा है ये भारत को जो है विकास की ओर नहीं विनाश की ओर लेकर जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं अवश्य बताइए, क्योंकि भारत भी इस संकट के जो घेरे में आ सकता है। अभी भारत जो है दूर दूर तक बिल्कुल ही खतरे में नहीं है, जीडीपी भारत का अच्छा खासा है, ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा है, लेकिन बात वही है 2-4% लोग ही जो है कि भारत को जो है उन्नति को ले जा रहे हैं, बाकी जो जितना युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस में आ रखा है वेस्टर्नाइजेशन के, रील्स कल्चर के, मॉडर्न कल्चर के, वो लोग तो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई अच्छा संकेत नहीं है। बाकी हम अवश्य चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो है फिर से जो है अराजकता खत्म हो, के जो लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो, सभी देश जो है अच्छे खासे जो भारत संबंध रखें और सभी का जीडीपी अच्छे से बढ़े, और भारत के जो है उन्नति में जो है इन देशों का भी योगदान रहे, भारत का भी इन देशों की उन्नति में योगदान रहे। बाकी आपके इसके बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो बांग्लादेश का हाल हुआ, जो श्रीलंका का हाल हुआ, जो पाकिस्तान का हाल हुआ, वो भारत का भी हो सकता है, क्योंकि भारत में ही देश विरोधी ताकतें और बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडिंग दे रही है और भारत को तोड़ने का काम कर रही है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, ये अवश्य स्टेटस लगाएं। बाकी धन्यवाद, वीडियो देखने के, जय श्री राम, हर हर महादेव।